इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ हाउ यू कैन सेट अप एन ईमेल सिग्नेचर इन आउटलुक। हम लोग सबसे पहले जो बेसिक जानेंगे, बेसिक के बाद थोड़ा सा उसको और स्टाइलिश बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा कस्टमाइज करके एक अपना हैंड रिटन सिग्नेचर को ऐड करेंगे। लास्ट में इसमें एक फोटो भी ऐड करेंगे, आप फोटो की जगह अपना लोगो भी ऐड कर सकते हो। प्लस आपको मैं एक टेम्पलेट भी देने वाला हूँ जो कि काफी अमेजिंग है, उसको कस्टमाइज करके आप भी एक अच्छा सा प्रोफेशनल सिग्नेचर आउटलुक में बना सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स जंप इनटू इट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आउटलुक को ओपन कर लेना होगा। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपका ओपन हो जाएगा, आपको न्यू ईमेल पे क्लिक करना होगा। न्यू ईमेल पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर पे क्लिक करके, यहाँ पे अभी देख सकते हो कि कोई भी सिग्नेचर शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी तक से कोई भी सिग्नेचर नहीं बनाया। तो आप सिग्नेचर पे क्लिक करके अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल सिग्नेचर के नीचे पे सिलेक्ट सिग्नेचर टू एडिट दिखेगा, लेकिन इस पे आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक नया सिग्नेचर को बना लेना है। कोई से भी आप नाम रेंडमली दे सकते हो, मैं इसको इकबाल सिग्नेचर के नाम पे ऐड करूंगा। जैसे कि मैंने टाइप कर दिया इकबाल सिग्नेचर और उसको मैं ओके करके क्लिक कर लेता हूँ। और अभी आप देख सकते हो कि राइट साइड में चूज डिफॉल्ट सिग्नेचर, ईमेल अकाउंट मेरा इस ईमेल अकाउंट से एसोसिएटेड है जो भी मैं अभी आपका सिग्नेचर दिखा रहा हूँ बना करके। और ये मुझसे पूछ रहा है न्यू मैसेजेस पे आपको सिग्नेचर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ न्यू मैसेज पे। जब भी मैं न्यू मैसेज को क्लिक करूंगा तो ये मुझे डिफॉल्ट में सिग्नेचर दे देगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जल्दी सा सिग्नेचर बना लेता हूँ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप भी एक सिंपल सा सिग्नेचर को बना सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक अपना सिंपल टेक्स्ट यूज करके सिग्नेचर को बना लिया। मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को मैंने बनाने के बाद, मैंने देखो यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब का लिंक भी आपको यहाँ पे शो कर दिया है। आप यहाँ से देख सकते हो कि मैंने एक सिंपल टेक्स्ट यूज करके मैंने अपना एक सिग्नेचर बना दिया। जब भी मैं किसी को मेल करूंगा तो ये सिग्नेचर उनको दिखेगा। साथ में यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब का लिंक भी ऐड कर दिया है, तो यूट्यूब का लिंक ऐड कर दिया, एक तरह का एडवर्टाइज भी हो गया मेरा इस ईमेल सिग्नेचर के थ्रू। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ओके कर लेता हूँ। अब मैं मुझे चेक करना है कि अभी न्यू ईमेल पे अब देखो कि ये अवेलेबल नहीं है, ये शो नहीं कर रहा। इसको मैं इस पेज को क्लोज कर लेता हूँ और मैं एक नया न्यू ईमेल पे क्लिक करके पेज ओपन कर लेता हूँ। अब देखो ये मेरा सिग्नेचर ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया। तो ये था पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया। और जो भी दूसरा स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिग्नेचर के अंदर अपना हैंड रिटन सिग्नेचर को ऐड करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस से सिग्नेचर पे क्लिक करके, यहाँ पे सिग्नेचर पे क्लिक करके दोबारा से इस पेज को ओपन कर लेना है। साथ में आपको क्या करना है, जैसे कि इस वाले पेज को ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, हम यहाँ पे क्लिक करके एंटर मार के एक स्पेस जैसा कुछ ले लेंगे। ठीक है, दोबारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे मैंने माउस कर्सर यहाँ पे लाया तो यहाँ से एक पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ एक पिक्चर, और मैंने पहले से ही बना के रखा है पिक्चर। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले सिग्नेचर को यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। ये मैंने इंसर्ट कर लिया इस वाले सिग्नेचर को, और ये आप देख सकते हो कि काफी थोड़ा सा पहले वाला जो सिग्नेचर था उससे काफी अमेजिंग और अट्रैक्टिव जैसा लग रहा है। आप अपने हिसाब से बना सकते हो सिग्नेचर। और अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बनाने नहीं आता है, तो अगर आप चाहते हो कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं इस पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसको मैं क्या करता हूँ, ओके करके सेव कर लेता हूँ। अभी आप देखो कि कोई भी चेंजेस इस वाले सिग्नेचर पे नहीं आए, मैंने क्योंकि सिग्नेचर को सेलेक्ट नहीं किया। मैं दोबारा से यहाँ पे जाकर के इकबाल सिग्नेचर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आप देखो कि ये मेरा सिग्नेचर यहाँ पे आ गया। काफी अमेजिंग है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन कुछ चीज की कमी आ रही है यहाँ पे। वो चीज क्या है, वो चीज जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना लोगो भी ऐड कर सकते हो सिग्नेचर में, प्लस आप अपना खुद का फोटोज भी ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप भी कैसे अपना एक फोटो या लोगो ऐड कर सकते हो। उसके लिए फिर से हम लोग सिग्नेचर वाले पेज पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है और एक टेबल सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं टेबल पे क्लिक करके 2x1 का टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। देखो ये टेबल शो हो गया यहाँ पे, और इस वाले पार्ट को मैं कट करके इस टेबल के अंदर पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक स्पेस रह गया जहाँ पे हम अपना पिक्चर को अपलोड करेंगे। तो इंसर्ट पे क्लिक करके, पिक्चर्स पे क्लिक करके यहाँ पे हम अपना एक पिक्चर को ऐड कर लिए। ये मेरा पासपोर्ट साइज फोटो है, काफी पुराना फोटो है, मैंने इसको ऐड कर लिया इधर पे, और इसको मैंने इस हिसाब से ऐसे सेट कर लिया। भी आप देखो कि ये थोड़ा सा पहले से बेहतर हो गया, राइट। तो ये काफी अच्छा लग रहा है पहले से देखने से। बाकी इस वाले में थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है
है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिग्नेचर बता दे कि आप भी एक अच्छा सा एक प्रोफेशनल सिग्नेचर को बना सकते हो अपने हिसाब से कस्टमाइज चेंजेस करके जो भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज की कमी है, क्योंकि जब भी अगर आप न्यू मैसेज पे क्लिक करोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वाले सिग्नेचर को सिलेक्ट करके मैं कट कर लेता हूँ और इस सिग्नेचर पे जा करके मैं इस वाले जगह पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट जब भी मुझे ये सिग्नेचर चाहिए होगा इस वाले ईमेल से जो एसोसिएटेड है वहां से आपको ये देखने को मिल जाएगा। मैं ओके क्लिक कर लेता हूं और मैं इस चीज को क्लोज कर लेता हूं। मैं न्यू ईमेल पे जाता हूं और ये देखो ये मेरा पेज ओपन हो गया साथ में सिग्नेचर के साथ। लेकिन थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि मैंने ये टेबल लिया है, तो टेबल को भी आप रिमूव कर सकते हो। अगर आप टेबल को सिलेक्ट कर लेते हो और टेबल डिजाइन पे क्लिक कर लेते हो, यहाँ पे आपको राइट साइड में बॉर्डर के पास दिखेगा नो बॉर्डर्स, तो ये देखो ये हमारा सिग्नेचर मिल गया। काफी अमेजिंग है, काफी इजी है। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हो और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो, इससे बढ़िया आप बना सकते हो, जो भी कस्टमाइज कर सकते हो सेटिंग को चेंजेस करके आप अच्छा एक सिग्नेचर बना सकते हो। फाइनली द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी मैंने आपको बताया कि आपको मैं एक टेम्पलेट बता दूंगा, वहां से आप और इससे बेहतरीन आउटलुक सिग्नेचर बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मैसेजेस पे जा करके सिग्नेचर पे क्लिक करके इस वाले सिग्नेचर्स को ओपन कर लेना है और आप यहाँ पे देखो बॉटम पे गेट सिग्नेचर टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट का एक वेबसाइट है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। गेट टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया, नया पेज ओपन हो गया, यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये डाउनलोड होने के बाद जैसे देख सकते हो व्हाट डू यू वांट टू डू विद दिस फाइल, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा बढ़िया बढ़िया सिग्नेचर अवेलेबल है यहाँ पे। ईमेल सिग्नेचर गैलरी टेम्पलेट आपको देखने को मिल रहा है, सिग्नेचर 1, सिग्नेचर 3, सिग्नेचर 4, अपने हिसाब से आपको जो पसंद आ रहा है उसको आप कट कर लो, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। बाकी सोशल मीडिया का आइकन्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल दिख रहे हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हो अपना हाइपरलिंक ऐड करके। ठीक है, किसी को भी कॉपी करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेम्पलेट इस वाले में से अच्छा लगा, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको इस टेम्पलेट या सिग्नेचर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और अभी तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।